यार ये लड़कियां बैड गाइस को क्यों इतना पसंद करती है? बैड मतलब तो बुरा होता है ना, फिर बुरे को भला क्यों कोई पसंद करेगा? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि लड़कियां बुरे लड़कों को पसंद करती है, उनको बैड गाइस ज़्यादा पसंद होते हैं और अच्छे लड़के उनको पसंद नहीं होते हैं, तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, लड़कियाँ कभी भी लड़कों को बुरा या अच्छा देख के पसंद नहीं करती, वो पसंद करती है क्वालिटीज़ देख के। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जिसकी वजह से लड़कियाँ लड़कों को पसंद करती है, और दोस्तों वो क्वालिटीज़ अच्छे लड़कों में भी हो सकती है और बुरे लड़कों में भी हो सकती है। मतलब कि आप अगर चाहते हैं कि लड़की आपको पसंद करे, तो उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक बैड गाइस बनो या एक बुरे इंसान बनो। ज़रूरत है तो सिर्फ कुछ क्वालिटीज़ की। अगर वो सब क्वालिटीज़ आप अपने अंदर इम्प्रूव करते हैं तो लड़कियाँ बेशक आपको पसंद करेगी, नो मैटर आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से लड़कियाँ लड़कों को पसंद करती है। नंबर वन क्वालिटी है कॉन्फिडेंस। आप जो बोलते हैं, आप जो बात करते हैं, आप जो काम करते हैं, उन सब में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा। दोस्तों आपने स्कूल और कॉलेजेस में देखा होगा, टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर तो हमें पता होता है, लेकिन हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम सबके सामने उसका आंसर दे पाए। हमें ये लगता है कि शायद मेरा आंसर गलत निकला तो सब स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सब लड़कियां मेरे बारे में क्या सोचेंगी, और उसी झिझक की वजह से हम उसका आंसर नहीं देते हैं। वैसे ही कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों के सामने बात ही नहीं कर पाते, वो लड़कियों के सामने एकदम लड़की की तरह ही शर्माते हैं, जबकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों के सामने एकदम आसानी से बात कर लेते हैं, वो अपनी बातों में एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कॉन्फिडेंटली लड़कियों के सामने बात कर पाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि लड़की आपको पसंद करे, तो यह सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और शायनेस को ख़त्म करें। अरे भैया, लड़की भी एक इंसान ही है, वो भी आपकी तरह ही सोचती है। नंबर दो पर क्वालिटी है डिसाइसिव। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक बार जब डिसीजन ले लेते हैं तो वो अपनी डिसीजन पर अड़े रहते हैं, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपना डिसीजन बार बार चेंज करते रहते हैं। तो दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि लड़की आपको पसंद करे, तो आपको अपना डिसीजन मेकिंग सिस्टम सुधारना पड़ेगा। वांटेड फिल्म का डायलॉग तो याद ही होगा, एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद के भी नहीं सुनता। नंबर तीन पर क्वालिटी है डू नॉट ऑलवेज अवेलेबल। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जैसे ही लड़की का मैसेज आता है फटाफट से रिप्लाई देने लगते हैं। ऐसे लड़के होते हैं जो लड़कियों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर आप भी उसमें से एक है तो मैं आपको बता दूं कि लड़कियों का दिमाग ऐसे काम नहीं करता। उनका दिमाग ये सोचता है कि ये तो मेरे लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ा है, तो मैं इसको भाव क्यों दूँ, और वो आपको घास भी नहीं डालेगी। लेकिन उसकी जगह आप अगर ऐसा बिहेव करते हैं कि आप अभी बिजी है और आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है, मतलब कि मोहतरमा आप कितनी भी सुंदर हो, आपके पीछे कितने भी लड़के पड़े हो, लेकिन मुझे अभी मेरा काम करना है, तो ऐसे केस में लड़की खुद आपको चेस करेगी और आपको भाव देगी, आपको लड़के के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? चौथे नंबर की क्वालिटी है स्टाइल एंड ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों कुछ लोग ये सोचते हैं कि लड़का या लड़की आपको पसंद करे उसके लिए आपको सुंदर होना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सुंदर हो तभी आपको लड़का या लड़की पसंद करे। आप अगर पहले से सुंदर है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सुंदर नहीं हैं तो इसमें कोई डरने वाली या शर्म की बात नहीं है कि आप सुंदर नहीं हैं। आप अपने ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल के ज़रिए सुंदर दिख सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि लड़की आपको पसंद करे, तो आपको अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत तो स्टाइलिश बनना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ग्रूमिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब पांचवी और आखिरी क्वालिटी है अनरिएक्टिव। आपने देखा होगा कि स्कूल में, कॉलेज में, सड़क पर या फिर कोई भी जगह पर कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसको लोग एकदम शॉकिंग होकर देखने लगते हैं, और वैसे में कई लड़के कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं, जैसे कि वो चीज़ उन्होंने पहली बार महसूस की हो या पहली बार देखी हो। और यही सेम चीज़ तब होती है जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, कुछ लड़कों को उम्मीद से ज़्यादा परसेंटेज आ जाते हैं,
तो वो लोग खुशी के मारे कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन दे देते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि लड़की आपको पसंद करे तो आपको ऐसी बड़ी घटनाओं पर बहुत कम रिएक्शन देना होगा, आपको ना के बराबर रिएक्शन देना होगा। आपको ऐसा महसूस करवाना है कि ये सब चीज़ें आपके लिए तो एकदम नॉर्मल है। तो दोस्तों ये थी कुछ क्वालिटीज़ जिसको अगर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो बेशक लड़कियाँ आपको भी पसंद करेगी। और ये बात बिल्कुल ही गलत है कि लड़कियाँ बैड गाइस को या फिर बुरे लड़कों को पसंद करती है। लड़कियाँ अट्रैक्ट होती है क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग। अगर बताई गई 5 क्वालिटीज़ भी आप में हैं तो डेफिनेटली लड़कियाँ आपको पसंद करेगी। और हाँ दोस्तों, आप अगर रिलेशनशिप, मोटिवेशन, साइकोलॉजी या फिर करियर के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।